दोस्तों, हमारी आज की वीडियो श्नाइडर के ATV 312 के SLF फॉल्ट पर है कि ये SLF जो फॉल्ट है ये एक्चुअल क्या है और ये VFD पर कब जनरेट होता है और इसको किस तरह से रिसेट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इस जो फॉल्ट है ये VSD पर एक्चुअल आता क्यों है। को एक एक्स्ट्रा HMI के थ्रू जब आप उसे या रिमोट के थ्रू जब आप उसको ऑपरेट करवा रहे होते हैं, उस कंडीशन में अगर उस HMI या VSD के दरमियान में अगर कोई कम्युनिकेशन फेलियर आता है या फिर अगर आप उसे ख़ुद उतार देते हैं और VSD को उसके ऊपर मौजूद पैनल से या कीपैड से आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो VSD जो है वो SLF का फॉल्ट जनरेट कर। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए सबसे पहले आपने मोड के बटन को प्रेस करना है, उसके बाद आपके सामने रेफरेंस लिखा आएगा यानी कि REFF रेफरेंस, आपने उसे राइट साइड पर स्क्रॉल करना है और कंट्रोल मेन्यू यानी कि CEL में जाना है और इंटर कर देना है। उसके बाद LAC का ऑप्शन आएगा आपके सामने, अगेन आपने अगेन जो है वो राइट साइड पर स्क्रॉल करना है और उसके बाद LCC का ऑप्शन आएगा आपके सामने, वो यस पर होगा। LCC का ऑप्शन जैसे ही आएगा उस पर आपने इंटर करना है तो वो सामने यस पर होगा और जब आप उसे थोड़ा सा राइट साइड पर स्क्रॉल करेंगे तो नो लिखा आएगा और आपने उस नो पर कुछ देर इंटर का बटन प्रेस करके रखना है और वो नो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने VSD की जो पावर सप्लाई है, जो मेन उसकी पावर सप्लाई है, वो आपने कट ऑफ कर देनी है यानी कि VSD को रिस्टार्ट कर लेना है और आपने उसे तब तक ऑफ रखना है जब तक कि उसके जो कैपेसिटर बैंक्स हैं वो मुकम्मल डिस्चार्ज नहीं हो जाते और VFD पर मौजूद जो वो पैनल है उसका डिस्प्ले गायब नहीं हो जाता। उसके बाद आपने उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आपने उसको दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना है और आपकी ड्राइव रनिंग के लिए रेडी है और उस पर एक VSD पर सामने रेडी लिखा आ जाएगा। तो चलिए आपको इसे बाकायदा मोटर को चलाकर भी दिखाते हैं, रन करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोटर चलना शुरू हो चुकी है और VSD आप रनिंग कंडीशन में है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे